हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 की सीरीज होने वाली है, जल्दी से देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये है जौहरी विंडो। अच्छा, जौहरी विंडो नाम क्या है? ये जौहरी विंडो थोड़ा सा इंग्लिश नेम है वैसे तो। ये होता क्या है? जौहरी विंडो बेसिकली पर्सनैलिटी के बारे में पता लगाने के लिए करा जाता है। मैं कैसा हूँ, मैं क्या किस नेचर का है। जैसे इससे जस्ट पहले वाले में अपन ने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के बारे में बात करी थी। जौहरी विंडो में इंसान खुद का खुद के बारे में पता लगाना, सेल्फ डेवलपमेंट कह सकते हो या सेल्फ रिकॉग्निशन, खुद का खुद के बारे में पता लगाने की टेक्निक है जौहरी विंडो, ठीक है। खुद का खुद के बारे में पता लगाने की टेक्निक है जौहरी विंडो। मतलब ये क्या कहती है? अवेयरनेस विद इन एन इंडिविजुअल इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप विथ यू एंड अदर्स। और इससे हम हमारे जो रिलेशनशिप हैं दूसरों के साथ में, उसका भी एक्चुअली आइडियोलॉजी के लिए अपन पता लगा सकते हैं कि सही है नहीं है, कौन सा हमारा क्लोज फ्रेंड है और कौन सा दूर का रिश्तेदार है, ये हम पता लगा सकते हैं। तो ये कैसे पता लगाते हैं सर? इसकी यरी मैट्रिक्स। हाँ, तो इसके अंदर मैट्रिक्स बनी हुई है। ये मैट्रिक्स हमको बताती है कि अपन खुद का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स बताती है, ठीक है। इसमें चार एरिया हैं। पहला देखो, इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं मैं। हाँ, पहला एरिया है नोन टू सेल्फ और इधर लिखा है नोन टू अदर्स, यानी कि जो चीजें आपको पता है और जो चीजें दूसरों को पता है, ठीक है। सेकेंड एरिया में लिखा है अननोन टू अदर्स, यानी कि ये कि दूसरों को भी नहीं पता और ये एक में लिखा है हमें भी नहीं पता। सबसे पहले एरिया में चलते हैं अपन, फर्स्ट एरिया में चलते हैं। ये कौन सा एरिया है? फर्स्ट एरिया कहता है नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, यानी कि वो चीज जो आप भी मेरे बारे में जानते हैं और मैं भी आपके बारे में जानता हूं, यानी कि आपके दोस्त जो आपके बारे में जानते हैं, आपकी फ्रेंड फैमिली सोसाइटी जो आपके बारे में जानती है और आप भी अपने फ्रेंड फैमिली सोसाइटी के बारे में जानते हैं, ये ओपन सेल्फ एरिया कहलाता है। ये जितने लोगों के साथ ज्यादा होगा, व्यक्ति जो होता है वो उतना ही ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है, टॉकेटिव, एक्सट्रोवर्ट नेचर का माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में लोगों को भी बता देता है और उसका फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा हो जाता है कि लोग उसके ऊपर भी ट्रस्ट करने लग जाते हैं। तो ओपन सेल्फ वाला एरिया होता है। क्लियर हो गया ना? ये फर्स्ट एरिया होता है जौहरी विंडो का, यानी एक तरीके की मैट्रिक्स है जिसमें अपन को एनालिसिस करना है कि हम किसी पर्सनालिटी का, यदि मैं एनालिसिस करता हूं कि मान लो मिस्टर पिंटू मेरा जो दोस्त है या स्टूडेंट है या जो बंदा है वो किस एरिया में डिनोट करता है, तो मेरी उसके साथ बॉन्डिंग पता चल जाएगी वो किस एरिया में डिनोट करता है। तो फर्स्ट एरिया तो हुआ ओपन टू सेल्फ, जो हमें भी नॉन है और सामने वाले को भी नॉन है। सेकंड, अननोन टू अदर, लेकिन मुझे पता है। ऐसी बातें जो मैं मेरे बारे में जानता हूं लेकिन दूसरा नहीं जानता, दैट इज माय सीक्रेट थिंग्स। तो इसको बोलते हैं हिडन सेल्फ, जो अपन ने छुपा के रख रखा है। जैसे कि हमें क्या है, सोना बड़ा पसंद है, मतलब वो गोल्ड वाला नहीं, वो सोने वाला, ठीक है। तो ये अब बच्चों को लगता है कि सर हैं बहुत वर्किंग, हार्ड वर्किंग है, तो हार्ड वर्किंग नहीं है, वर्किंग करते हैं, ठीक है, 16 आवर्स इन अ डे वर्किंग करते हैं, लेकिन सबसे प्यारी चीज़ है हमारी नींद, ठीक है। तो वो हिडन है, लेकिन अननोन क्या है, दूसरों को नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि यार सोने के आगे अपन को थोड़ा सा आराम लगता ही लगता है, तो खाने के बाद थोड़ा सा आराम लगता ही लगता है। तो ये हिडन टू सेल्फ है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये बातें दूसरा व्यक्ति भी आपके बारे में जान रहा है और आप भी जान रहे हैं, तो आप ओपन सेल्फ में आ गए। लेकिन ये आपके सीक्रेट्स होते हैं जो आप लोगों के, लाइक बैंक बैलेंस है ना, इसको आप बैंक बैलेंस भी कह सकते हो, जो दूसरे लोग नहीं जानते हम जान रहे हैं। तो ये हिडन सेल्फ होता है। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट में आते हैं अपन। थर्ड पॉइंट में इसमें आता है ब्लाइंड सेल्फ। ये वो चीजें हैं, यहां पर देखिए नोन टू अदर्स लिखा हुआ है और अननोन टू सेल्फ, यानी कि हम खुद से जब झूठ बोलने लग जाते हैं, कि हम खुद से जब झूठ बोलने लग जाते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, दिन भर रील चला रहे हैं, अरे 80% बनेगा, अपने तो बनेगा, अपने तो एग्जाम निकलेगा, तो ये खुद से जब हम झूठ बोलने लग जाते हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति जान रहा है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे, तो आपको फल नहीं मिल रहा, तो देट इज द ब्लाइंड सेल्फ कहलाता है। क्लियर हो गया ना? एक तो ओपन हो गया, एक हिडन हो गया। ओपन जो सब जने पता है और अपन को भी पता है, हिडन जो हमें पता है दूसरों को नहीं पता, और ब्लाइंड सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ यानी हमें नहीं पता लेकिन दूसरों को पता है। हो सकता है कि जैसे मैंने बहुत से स्टूडेंट को कहा है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी की बहुत अच्छी है यार, यू आर अ गुड पेंटर,
पेंटिंग वेंटिंग करो, आप म्यूजिशियन बहुत अच्छे हो, आप सिंगर बहुत अच्छे हो, बहुत से बच्चे रियलाइज नहीं करते हैं कि उनके पास क्या क्वालिटी है, उनको किस में अच्छा लगता है। बहुत से बच्चे, मैं कह रहा हूँ MBA के बच्चे कोडिंग बहुत अच्छी सी करते हैं, ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग, डायनेमिक वेबसाइट तो क्या बना के देते हैं, तो ये उनके लिए अननोन एरिया रहता है, लेकिन सामने वाला वो चीज जान पाता है। तो ये नोन टू अदर्स, दैट इज द ब्लाइंड सेल्फ। और लास्ट होता है अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ वो इन्फॉर्मेशन होती है, ना तो हम जानते हैं ना सामने वाला जानता है, कोई भी नहीं जानता, लेकिन शरीर के अंदर जो पर्सनैलिटी है वो ये दबी हुई रहती है जब तक वो एक्टिविटी हमको नहीं कराई जाती। जैसे कि मान लेते हैं कि एक बचपन से किसी ने ग्रुप एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, ग्रुप गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा, एकदम से उसको कोई ग्रुप टास्क दे दी गई, तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो ग्रुप का लीडर बन के निकला। तो ये वो एरिया था, ना उसे पता था कि वो ग्रुप का अच्छा लीडर बन सकता है, ना दूसरों को पता था वो ग्रुप अच्छा लीडर बन सकता है, तो अननोन सेल्फ का एरिया कहलाता है। एक इनर, जैसे कि गांधी जी को जब धक्का लगा, ट्रेन से नीचे उतारा गया, तब उन्हें पता चला कि अहिंसा में क्या ताकत होती है, तब उन्होंने अंतरात्मा को जाना, है ना। तो ये वाली अननोन सेल्फ वाला एरिया कहलाता है, ना तो दूसरे जानते थे, ना अंग्रेज जानते थे इसको लात देने से, हां गांधी जी को लात मारने से कोई दिक्कत आने वाली है, वरना कभी ऐसा नहीं होता, है ना, दैट इज द अननोन एरिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।